Hello friends, in this video I'll discuss the NEET and AIPMT problems from the year 2013 onwards for the chapter waves. ये सभी questions मैंने app में assignment की तरह दिए हुए हैं. पहले अगर आप questions को खुद से try करेंगे और उसके बाद videos देखेंगे तो it would be much more beneficial to you guys. So now let us start the discussion. First question discuss करते हैं NEET 2013 में से. A wave travelling in the positive x direction. तो wave की direction plus x axis के along है. Having displacement along the y direction as 1 meter. तो particle जो है वो y axis के along oscillate कर रहा है और उसकी displacement 1 meter दी गई है. यानि कि particle जो है minus 1 से 1 के बीच में oscillate करेगा. तो this is the value of amplitude. Wavelength 2 pi meter, wavelength की value 2 pi meters है और frequency है 1 by pi hertz. Is represented by. तो ये जो wave जिसका data हमें दिया गया है इसकी equation हमें बतानी. तो वेव की इक्वेशन का फार्मूला देख लेते हैं. पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग हो रही है तो इक्वेशन में हम y की वैल्यू डिनोट करेंगे. y इज इक्वल टू a sin kx - ओमेगा t + phi. तो जब वेव प्लस x एक्सिस के अलोंग मूव करती है तो kx और ओमेगा t की जो टर्म्स है उनके बीच में माइनस का साइन आता है. अगर नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग वेव ट्रैवल करती तो यहां पर प्लस का साइन होता. तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी. यहां पर x जो है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है अलोंग द x एक्सिस और t जो है वो टाइम मोमेंट है जब हम पार्टिकल की पोजीशन बता रहे हैं. तो इस इक्वेशन से हम वेव के मोशन को डिनोट कर सकते हैं. तो यहां पर k जो होता है दैट इज द वेव नंबर, ओमेगा जो होता है दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फाई जो है वो फेज कांस्टेंट होता है यानी कि x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन क्या है वो हमें फाई से पता चलता है. तो सबसे पहले वेव नंबर k देख लेते हैं. इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. क्वेश्चन में हमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 पाई अपॉन 2 पाई. लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में 2 पाई दी हुई है तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 पर मीटर. सिमिलरली ओमेगा होता है 2 पाई f, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव 1 बाय पाई हर्ट्ज हमें दी हुई है, उसकी वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इनटू 1 बाय पाई यानी कि 2 रेडियंस पर सेकंड. यहां पर फेज कांस्टेंट फाई जो है उसका डेटा में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है तो उसकी वैल्यू हम 0 अज्यूम कर लेंगे. हम मान लेंगे कि x इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन t इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 है. बेसिकली x 0 t 0 पुट करेंगे, y फाई को भी 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो यहां से हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. एम्पलीट्यूड a 1 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था. sin k की जगह हमें 1 पुट करना था 1x - ओमेगा t, ओमेगा की जगह हम 2 पुट कर देंगे. हमारी इक्वेशन आ जाएगी सिंपली sin x - 2t. तो ऑप्शन b जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नीट 2013 का नेक्स्ट प्रॉब्लम फैक्ट बेस्ड था. इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. तो हमें यहां पर ऑर्गन पाइप को डिस्कस करना है जिसके दोनों एंड्स ओपन हैं तो उसके अंदर किस तरीके की स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है. देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो हमें चार फैक्ट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें देखना है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. तो स्टैंडिंग वेव्स पाइप ओपन एट बोथ एंड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सबसे पहली बात, ओपन एंड्स पर एंटीनोड्स बनते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ओपन एंड विल बी एंटीनोड. ऑल दी हार्मोनिक्स आर जनरेटेड. तो यहां पर जो वेव्स जनरेट होंगी पाइप के अंदर उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव होगी दैट विल बी वी बाय 2l. इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. वी बाय 2l जो फ्रीक्वेंसी है, बाकी सभी जो वेव्स जनरेट होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी वी बाय 2l का इंटीजरल मल्टीपल होता है. तो इसी स्टेटमेंट को हम दिखाते हैं एज ऑल दी हार्मोनिक्स आर जनरेटेड, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सारे इंटीजरल मल्टीपल्स की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स क्रिएट होंगी. तो यहां एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सभी वैल्यूज के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आएंगी. दीज आर नोन एज दी हार्मोनिक्स. तो ऑल दी हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड. ऑप्शन डी जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अब जब सभी हार्मोनिक्स क्रिएट हो रहे हैं तो ऑड हार्मोनिक्स भी होंगे और इवन हार्मोनिक्स भी होंगे. ऑड हार्मोनिक्स का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑड मल्टीपल्स, यानी कि 1, n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन.
तो चूंकि सारे ही हार्मोनिक्स क्रिएट हो रहे हैं तो ऑड हार्मोनिक्स विल ऑल्सो बी जनरेटेड। तो अब ऑप्शन ए ही बचा है विच विल बी द रॉन्ग आंसर, उसको भी देख लेते हैं। ओपन एंड अगर पाइप के होते हैं तो वहां पर प्रेशर फ्लक्चुएशन जीरो होता है, ठीक है। ओपन एंड्स आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो ओपन एंड्स पर जो प्रेशर होगा वो थ्रू आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, प्रेशर चेंज विल बी जीरो एट बोथ द एंड्स, इट विल नॉट बी मैक्सिमम। तो ऑप्शन ए जो था दैट वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नीट 2013 में थर्ड क्वेश्चन जो आया था वेव्स टॉपिक में से, अब उसको डिस्कस करेंगे। अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड। तो हमारे पास एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम नहीं है और वो किसी और वेव के साथ ऐड होके बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है, 4 बीट्स पर सेकेंड। जब भी दो वेव सिमिलर फ्रीक्वेंसी की ऐड होती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि ऑल्टरनेट सॉफ्ट और लाउड साउंड हमें आती हैं आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। When sounded with a source of known frequency 250 hertz. तो पहली वेव की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी 250 hertz है और जब ये दोनों वेव्स ऐड होती हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट होती है, 4 बीट्स पर सेकेंड। आगे डेटा देखते हैं। द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास जो अननोन फ्रीक्वेंसी F1 थी उसके सेकेंड हार्मोनिक को अब डिस्कस करना है। सेकेंड हार्मोनिक यानी कि उस फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल बाय 2, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी नोन एज द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जब सेकेंड हार्मोनिक को हमने यूज किया है तो इट गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड। तो अब नई जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो है 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज़। तो जब हमने F1 और F2 फ्रीक्वेंसी की वेव्स को एक साथ हमने ऐड किया था तो 4 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हुए थे। जब हमने 2F1 और 513 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव्स को ऐड किया है तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 5 बीट्स पर सेकंड। दी अननोन फ्रीक्वेंसी इज, तो हमें अननोन फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू बतानी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी होती है F1 - F2, यानी कि जो भी दो वेव्स ऐड हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस से बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है। तो अब हमें यहां पर पता है कि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस था वो 4 था। अब हमें ये नहीं पता कि F1 की वैल्यू 250 से ज्यादा थी या F1 की वैल्यू 250 से कम थी। तो यहां पर डिस्कशन 1 में बीट फ्रीक्वेंसी 4 है और एक वेव है 250 हर्ट्ज, तो दूसरी अननोन फ्रीक्वेंसी जो है वो या तो 246 हर्ट्ज होगी या फिर 254 हर्ट्ज होगी, ठीक है। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 4 है तो यहां पर ये F1 की वैल्यू 254 भी हो सकती है और F1 की वैल्यू 246 भी हो सकती है। तो अब दूसरे डेटा में इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो F1 की वैल्यू 246 भी लेंगे, F1 की वैल्यू 254 भी लेंगे। अगर F1 की वैल्यू 246 लेते हैं तो F1 डैश आ जाएगा 492, 246 का डबल हो गया 492। सिमिलरली F1 की वैल्यू अगर 254 लेंगे तो F1 डैश उसका डबल हो जाएगा यानी कि 508 हर्ट्ज। तो इन दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी दूसरे केस में हमें लेनी थी और दूसरी वेव थी 513 हर्ट्ज। इन दोनों वेव्स को जब हमने ऐड किया तो बीट फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए 5। तो हम दोनों केसेस ले लेते हैं। F2 डैश तो 513 है, F1 डैश की वैल्यू पहले ले लेंगे 492। तो 513 माइनस 492 यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 21 जो कि गलत आंसर है। अगर हम F1 डैश की वैल्यू 508 लेते हैं तब हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 513 हर्ट्ज माइनस 508 हर्ट्ज। तो दूसरे केस में बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 5 बीट्स पर सेकंड और क्वेश्चन में हमें वैल्यू भी यही दी हुई है। नई बीट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 बीट्स पर सेकंड, यानी कि F1 डैश की वैल्यू 508 हर्ट्ज है। 492 हर्ट्ज वाला ऑप्शन गलत है तो यहां से F1 डैश की वैल्यू आ गई 508 हर्ट्ज। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 डैश का हाफ यानी कि 254 हर्ट्ज। तो ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी इसकी वैल्यू थी 254 हर्ट्ज। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। AIPMT 2014 का प्रॉब्लम अब डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस
of an air column in a pipe closed at one end. तो हमें पाइप क्लोज्ड एट वन एंड दिया हुआ है और उसके अंदर एयर कॉलम की ऑसिलेशंस की बात करनी है. तो हमें स्टैंडिंग वेव्स का डिस्कशन करना है फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस की बात की हुई है. आगे डेटा देखते हैं. ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर, यानी कि पाइप की लेंथ 85 सेंटीमीटर है. स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे 0.85 मीटर्स. हूज फ्रीक्वेंसीज लाए बिलो 1250 हर्ट्ज़. तो हमें कौन सी नेचुरल ऑसिलेशंस डिस्कस करनी है जिनकी वैल्यू, जिनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1250 हर्ट्ज़ से कम है. वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर्स पर सेकेंड. तो अगर पाइप एक एंड से क्लोज्ड हो तो उसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहली बात, अगर पाइप एक एंड पे क्लोज्ड है तो जो एंड क्लोज्ड होता है वहां पर नोड्स क्रिएट होते हैं और जो एंड ओपन होता है वहां पर एंटी नोड्स क्रिएट हो जाते हैं. और स्टैंडिंग वेव्स किस तरीके से जनरेट होती हैं? ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर जनरेटेड. मतलब वो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगी विच आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ वी बाय 4L. तो एक सबसे कम फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वी बाय 4L. यहां पे v जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव और l जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब. तो v बाय 4l की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी और उस फ्रीक्वेंसी के ऑड मल्टीपल्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल भी हमें मिलेंगे. यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय v बाय 4l, 3 मल्टीप्लाइड बाय v बाय 4l, 5 मल्टीप्लाइड बाय v बाय 4l एंड सो ऑन. इवन मल्टीपल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में, सिर्फ ऑड मल्टीपल्स क्रिएट होंगे. तो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 4l की वैल्यू देख लेते हैं. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f नॉट हो जाएगी v, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हो गई आपकी 340 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द ट्यूब. लेंथ ऑफ द ट्यूब 0.85 मीटर्स हमें दी हुई है. सारी SI यूनिट्स हमें यूज करनी है. कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, सीधी कैलकुलेशन है. f नॉट की वैल्यू आ जाएगी 100. तो जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी दैट विल बी 100 हर्ट्ज़. तो बाकी सब पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज को आप देखेंगे. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 हर्ट्ज़. वी बाय 4L की वैल्यू हमने 100 निकाल ली है. पहले उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन. तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी. 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक. 100 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक. 100 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा सेवेंथ हार्मोनिक एंड सो ऑन. तो अगला हार्मोनिक आएगा 900 हर्ट्ज़, उसके आगे 1100 हर्ट्ज़, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 हर्ट्ज़ आ जाएगा. अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई थी, ये सभी नेचुरल ऑसिलेशंस हैं जो क्रिएट होंगी. हमें सिर्फ वही ऑसिलेशंस को काउंट करना है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 हर्ट्ज़ से कम हो. यानी कि 1300 हर्ट्ज ऑनवर्ड्स हमें फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट हार्मोनिक आएगा 1500, वो भी 1250 से बड़ा है. तो आगे हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी है. यहां पर हमारे पास पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज आ गई 100, 300, 500, 700, 900 और 1100 हर्ट्ज. यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज विल बी. तो ऑप्शन डी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर. सेम क्वेश्चन रिसेंटली जेई मेन में भी आया था विद द एग्जैक्ट सेम वैल्यूज. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. AIPMT 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे. इफ N1, N2 एंड N3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, यहां पर तीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज N1, N2, N3 दी हुई हैं, ऑफ थ्री सेगमेंट्स इनटू व्हिच अ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड. तो यहां पर हमने एक स्ट्रिंग ले ली है जिसकी टोटल लेंथ थी L, उसको दोनों एंड्स पे हमने टाई कर रखा है. इस स्ट्रिंग को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो यहां पर मैंने बीच में दो और जंक्शंस बना दिए हैं जहां पर स्ट्रिंग को हमने टाई किया है. और इस तरीके से स्ट्रिंग जो है, पूरी स्ट्रिंग जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई. पहले पार्ट की लेंथ मैंने L1 ले ली है, दूसरे पार्ट की लेंथ L2 ले ली है और तीसरे पार्ट की लेंथ L3 ली है. Then the original fundamental frequency of the string is given by. तो हमारे पास पहले एक original string थी जिसके दोनों ends tied थे और उसकी length थी L.
तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होंगी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें एन लेनी है। बाद में हमने उसी स्ट्रिंग को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उन तीनों पार्ट्स की जो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होंगी उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज थी N1, N2 और N3। तो हमें यहां पर स्टैंडिंग वेव्स डिस्कस करनी है फॉर स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स। तो जब स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे टाइड होती है तो उसमें जो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात, दोनों एंड्स पे नोड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के दोनों एंड्स अगर टाइड होंगे तो उसके दोनों एंड्स अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, तो वहां पर नोड्स क्रिएट हो जाएंगे। और जो वेव्स क्रिएट होती हैं उसमें सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है V/12, ठीक है। तो ऑल दी हार्मोनिक्स आर जनरेटेड, यानी कि V/12 जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके सभी इंटीजरल मल्टीपल्स की फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगी। V जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग, और L जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पर V/12 हो जाती है उस स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसके सभी मल्टीपल्स यानी कि उसके सभी हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या है, ओरिजिनल लेंथ थी L और उसको हमने तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो टोटल लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3। इस कंडीशन को हमें यूज करना है और तीनों पार्ट्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज N1, N2 और N3 को ओरिजिनल वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N के साथ कंपेयर करना है। तो हम बारी बारी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसकी मदद से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन लेंथ के साथ निकालेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई V/12, तो ओरिजिनल वायर की लेंथ कैपिटल L थी, तो N की वैल्यू हो जाएगी V/2 टाइम्स कैपिटल L। सिमिलरली यहां से हम लेंथ के रिलेशन निकाल लेंगे, लेंथ हो जाएगा V/2N, ठीक है। N की वैल्यू, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो यहां पर वेव की लेंथ क्या, आपकी सॉरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई, V/2N। सिमिलरली L1 लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन भी आ जाएगा, L1 हो जाएगा V/2N1, ठीक है। पहले जो स्ट्रिंग की लेंथ थी उसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 थी, तो L1 इज इक्वल टू V/2N1 हमने यूज कर लिया। दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ L2 थी, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन भी वैसे ही आ जाएगा, L2 हो जाएगा V/2N2। सिमिलरली तीसरी स्ट्रिंग के लिए V/2N3 विल बी इक्वल टू L3। तो हमने लेंथ को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर लिया है चारों केसेस के लिए, ओरिजिनल लेंथ L के लिए और तीनों पार्ट्स L1, L2 और L3 के लिए भी हमने रिजल्ट निकाला है। इन चारों टर्म्स को रिलेट कैसे करेंगे, कैपिटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। कैपिटल L की जगह V/2N, यहां पर जो स्पीड होती है स्ट्रिंग की दैट इज √T/μ। तो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स जनरेट होती हैं उनकी स्पीड होती है √T/μ, वेयर T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड μ इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर आप स्ट्रिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है तो सभी सेक्शंस में टेंशन की वैल्यू सेम होगी और म्यू की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग के लिए हमें कॉन्स्टेंट रखनी है। तो अब कंडीशन लगाते हैं, L की जगह V/2N, L1 की जगह V/2N1, L2 की जगह V/2N2 और L3 की जगह V/2N3 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारी टर्म्स में V/2 जो टर्म आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 1/N इज इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3, यानी कि ऑप्शन ए जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। AIPMT 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। अ स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट है हु इज मूविंग ऑन अ रोड, यहां पर मैंने ये रोड को डिनोट किया है और उसके ऊपर ये जो ब्लू डॉट है दैट इज शोइंग द मोटरसाइकिलिस्ट एंड इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ही स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ द बाइक यहां पर हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 5/18। तो किलोमीटर्स पर आवर का डेटा जो है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगा। अवर वैल्यू विल बी 10 मीटर्स पर सेकंड। ही फाइंड्स दैट ट्रैफिक हैज ईज्ड एंड अ कार मूविंग अहेड ऑफ हिम एट 18 किलोमीटर्स पर आवर।
तो बाइक के आगे एक कार मूव कर रही है, कार की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आर यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि बाइक के आगे कार मूव कर रही है तो कार की डायरेक्शन भी हमने सेम ली है एज दैट ऑफ द बाइक, यानी कि बाइक और कार दोनों हम अज्यूम कर रहे हैं यहां पर कि राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड द कार मूविंग अहेड ऑफ हिम इज हॉन्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1392 हर्ट्ज। तो ये जो कार है ये हॉर्न बजा रही है, इट इज हॉन्किंग यानी कि इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स। तो ये जो कार है दिस हैज बिकम अवर सोर्स ऑफ साउंड वेव्स, और उन उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1392 हर्ट्ज। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉन्क एज हर्ड बाय हिम विल बी। तो ये जो बाइक है इसको कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी ये हमें निकालना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डॉपलर इफेक्ट की बात हो रही है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, और वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ेगी उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एफ डैश यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस वी नॉट अपॉन वी प्लस वी एस। यहां पे हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड लेनी है जिसकी वैल्यू हम हर केस में पॉजिटिव रखेंगे, और ऊपर हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेनी है विद प्रॉपर साइन, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमें डिनोमिनेटर में लेनी है विद प्रॉपर साइन। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स जो है उसके साइन हमें कैसे देखने हैं, उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करनी है ओ से एस पॉजिटिव, यानी कि ऑब्जर्वर से सोर्स की डायरेक्शन जो है उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तब आप किसी भी केस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चाहे सोर्स भी मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो, या उसमें से कोई एक स्टेशनरी हो, ऑल द केसेस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन लेनी है ऑब्जर्वर से सोर्स पॉजिटिव, यानी कि बाइक जो थी दैट वॉज द ऑब्जर्वर, कार वॉज द सोर्स। तो बाइक से कार की तरफ जो डायरेक्शन है यानी कि राइट डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमें ओ से एस पॉजिटिव लेना है, और इस डायग्राम के हिसाब से हमें पता चला राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अब बाइक की वेलोसिटी है वो भी राइट डायरेक्शन में है, कार की वेलोसिटी है वो भी राइट डायरेक्शन में है, और साइन कन्वेंशन भी राइट पॉजिटिव है। तो हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी पॉजिटिव लेंगे और वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी इस फॉर्मूला में पॉजिटिव लेंगे। अब वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। एफ डैश यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1392 मल्टीप्लाइड बाय वी ऑफ साउंड प्लस वी ऑफ ऑब्जर्वर यानी कि 343 प्लस बाइक की स्पीड कितनी थी 10 प्लस 10 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओ से एस पॉजिटिव है और बाइक की डायरेक्शन भी राइट में ही है, तो हमने बाइक की वेलोसिटी ली प्लस 10। सिमिलरली डिनोमिनेटर में वी साउंड प्लस वी सोर्स आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड अगेन 343 क्वेश्चन में दी हुई है, और सोर्स भी राइट की तरफ मूव कर रही है तो सोर्स की वेलोसिटी भी हमने पॉजिटिव ली है प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यूज डाल देंगे 343 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 343 प्लस 5 यानी कि 1392 मल्टीप्लाइड बाय 353 बाय 348। आगे वैल्यूज प्लग इन करके आप आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1412 हर्ट्ज। तो कार के जो हॉर्न है उससे साउंड वेव्स निकल रही थी 1392 हर्ट्ज की, लेकिन बाइकर को जो साउंड सुनाई देगी दैट विल बी 1412 हर्ट्ज। ऑप्शन सी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये डॉपलर इफेक्ट का, आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से फॉलो करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2015 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दिया हुआ है यानी कि उसका एक एंड क्लोज्ड है और उस पाइप की लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ नॉट ऑफ द क्लोज्ड पाइप हमें डिस्कस करनी इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो अब हमें एक और पाइप दिया हुआ है जिसके दोनों एंड्स ओपन है
और उसके अंदर जनरेट होने वाली सेकंड ओवरटोन की वैल्यू जो है वो पहले केस की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है. द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स इज. तो यहां पे हमें दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं. एक बार हमें पाइप दिया हुआ है विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, और एक हमें पाइप दिया हुआ है विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स. और पहले केस की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द सेकेंड पाइप. तो अब हमें स्टैंडिंग वेव्स का डिस्कशन करना है दोनों तरीके से. पाइप क्लोज एट वन एंड के फॉर्मूलाज को भी चेक करेंगे, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स के भी फॉर्मूलाज को चेक करेंगे और उनके बीच में रिलेशन निकाल लेंगे. तो जब पाइप एक एंड पे क्लोज होता है तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी बाय फोर एल, और वी बाय फोर एल के ऑड मल्टीपल्स की फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगी. यानी कि वन मल्टीप्लाइड बाय वी बाय फोर एल विच इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थ्री मल्टीप्लाइड बाय वी बाय फोर एल विच इज द थर्ड हार्मोनिक, 5 मल्टीप्लाइड बाय v बाय फोर एल यानी कि फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन. इस तरीके से ऑड मल्टीपल्स ऑफ v बाय फोर एल आर जनरेटेड. v जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, और यहां पर l जो है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें लेनी होती है. सिमिलरली स्टैंडिंग वेव्स का डिस्कशन करेंगे पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. तो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स में सारे हार्मोनिक्स जनरेट होते. तो जब पाइप दोनों एंड्स पे ओपन होता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v बाय 2l, और उसके सभी इंटीजरल मल्टीपल की फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होंगी. यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय v बाय 2l विच इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2 मल्टीप्लाइड बाय v बाय 2l विच इज द सेकेंड हार्मोनिक, 3 मल्टीप्लाइड बाय v बाय 2l विच इज द थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन. अब ओवरटोन का भी मतलब देख लेते हैं. v बाय 2l तो हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उससे अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी 2v by 2l, उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन. फिर अगली फ्रीक्वेंसी आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय v by 2l, वो हो जाएगी सेकंड ओवरटोन. इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाय v by 2l हो जाएगी थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन. तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और उसके अगली फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन, उसके अगली फ्रीक्वेंसी सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन. तो हमें क्लोज्ड एंड वाले पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है और ओपन पाइप के लिए सेकंड ओवरटोन की वैल्यू सॉल्व करनी है. तो अब वैल्यूज प्लग इन करना चालू करते हैं. क्लोज्ड पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v बाय 4l, वो हमने यहां पर पुट कर दी है, और सेकंड ओवरटोन ओपन पाइप के लिए हो जाएगी 3 टाइम्स v बाय 2l डैश. यहां पे ओपन पाइप की लेंथ हमने l डैश ली है. दोनों केसेस में वेलोसिटी कौन सी लेनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, जो दोनों केसेस में सेम रहेगी. अब इन दोनों टर्म्स को हम इक्वेट कर देंगे. v by 4l is equal to 3 times v by 2l dash. तो v by 4l is equal to 3 v by 2l dash हो जाएगा. v की वैल्यू दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास l dash की वैल्यू आ जाएगी 4l multiplied by 3 by 2. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है. l की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो L डैश की वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर. तो ओपन पाइप की लेंथ होनी चाहिए 120 सेंटीमीटर, तब क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओपन पाइप की सेकंड ओवरटोन जो है वो बराबर आएंगी. ऑप्शन ए जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. AIPMT 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे. 4 grams of a gas occupies 22.4 liters at STP. तो STP पे गैस का मास 4 grams दिया हुआ है और उसकी वॉल्यूम 22.4 liters दी हुई है. इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी करेक्शन दी हुई है. क्वेश्चन में STP की जगह NTP दिया हुआ था, लेकिन डेटा जो है वो STP से मैच हो रहा था. So I have made that small correction over here. STP का मतलब होता है 1 bar और 0 degree Celsius. The specific heat capacity of the gas at constant volume is 5 joules per Kelvin per mole. तो गैस के लिए CV की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में 5 के बराबर है. If the speed of sound in this gas at STP is 952 meters per second. तो इस गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड वेव्स भी हमें दी हुई है. Then the heat capacity at constant pressure is. तो हमें heat capacity at constant pressure यानी कि CP की वैल्यू निकालनी. Take gas constant R is equal to 8.3 joules per Kelvin per mole. तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहां पर हमें मोल कॉन्सेप्ट भी यूज करना है.
थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने सीपी और सीवी के बारे में पढ़ा था, और फिर वेव्स चैप्टर में हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन गैस जो है उसके फॉर्मूलाज भी मालूम है। तो इन सभी चीजों को रिलेट करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन, जो कि होता है गामा। गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। तो अगर हमें गामा की वैल्यू पता चल जाए और सीवी की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम वहां से सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब गामा का यूज कहां से आएगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस का फॉर्मूला यहां पे है, गामा की वैल्यू हमें पता है सीपी बाय सीवी होती है, आर जो है दैट इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर जो है वो हमें केल्विन में एक्सप्रेस करना होता है, यहां पर हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, तो हम टी की वैल्यू 273 केल्विन यूज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। अब गैस का हमें मोलर मास यूज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर स्पीड ऑफ साउंड जो है उसकी यूनिट्स हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड। तो मोलर मास को आप किलोग्राम्स पर मोल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ग्राम्स पर मोल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू गलत आ जाएगी, बिकॉज ग्राम्स इज नॉट द एसआई यूनिट। तो मोलर मास हमें किलोग्राम पर मोल में लेना है। तो मोलर मास निकालेंगे कैसे? हमें गैस की वॉल्यूम और मास दिया हुआ है, और एसटीपी पे वन मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो एक गैस का वन मोल अगर हमें दिया हुआ हो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होगी। क्वेश्चन में भी हमें गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स दी हुई है, यानी कि वन मोल ऑफ द गैस इज 4 ग्राम्स। तो एक मोल गैस का मास 4 ग्राम्स हमें दिया हुआ है, यानी कि गैस का मोलर मास हो गया 4 ग्राम्स पर मोल। इसकी वैल्यू हम किलोग्राम्स पर मोल में क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गिवन गैस जो है वो 952 है, इज इक्वल टू अंडर रूट गामा जो हमें निकालना है, आर की वैल्यू 8.3 हमें मालूम है, टेम्परेचर 273 केल्विन लेना है, और मोलर मास ऑफ द गैस हो जाएगा 4 ग्राम्स पर मोल, यानी कि 4 × 10⁻³ किलोग्राम्स पर मोल। यहां से वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेना, गामा की वैल्यू आएगी 1.6। अब गामा होता है सीपी बाय सीवी, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी गामा मल्टीप्लाइड बाय सीवी। गामा की वैल्यू 1.6 हमने सॉल्व करी है, सीवी की वैल्यू क्वेश्चन में 5 जूल्स पर केल्विन पर मोल हमें दी हुई थी, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 8 जूल्स पर केल्विन पर मोल, यानी कि ऑप्शन बी जो था दैट वॉज द करेक्ट आंसर। Now let us move on to the next problem. AIPMT 2015 के second paper का एक और question देखते हैं। A string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter. तो एक string है हमारे पास 0.75 meters की, उसके दोनों ends को हमने tie कर रखा है। It is observed to have resonant frequencies of 420 hertz and 315 hertz. तो इसकी दो resonant frequencies दे रखी हैं, यानी कि इसके दो harmonics दे रखे हैं। क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को टाई करके उसको प्लग करते हैं तो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती हैं, जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल हमें मिलते हैं। देर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दीज टू। तो ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके बीच में और कोई फ्रीक्वेंसी हमने ऑब्जर्व नहीं की, यानी कि ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं दीज आर कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स। ठीक है, पहले 315 हर्ट्ज की एक सिग्नल मिला हमें और उसकी अगली वेव जो थी वो 420 हर्ट्ज की थी, बीच में कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर दिस स्ट्रिंग इज, तो इस स्ट्रिंग की लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। तो स्ट्रिंग्स के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, स्टैंडिंग वेव्स स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स। तो दोनों एंड्स पे नोड्स होते हैं, चूंकि दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, दोनों एंड्स अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, और जो ऑल द हार्मोनिक्स आर जनरेटेड। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगी दैट इज वी बाय 2L, और बाकी सभी फ्रीक्वेंसीज इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1 × V/2L, सेकेंड हार्मोनिक है 2 × V/2L, थर्ड हार्मोनिक है 3 × V/2L एंड सो ऑन। तो इन्हीं हार्मोनिक्स में से दो हार्मोनिक्स हमें दिए गए हैं, 315 हर्ट्ज और 420 हर्ट्ज। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि दो कंजेक्यूटिव हार्मोनिक्स के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है उसको हम फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं।
आप यहां पर कोई भी दो कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स देख लें, पहली फ्रीक्वेंसी होगी v बाय 2l, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी 2 इंटू v बाय 2l, तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, v बाय 2l। इसी तरीके से कोई और पेयर ले लेंगे, 3 इंटू v बाय 2l और उससे पहले 2 इंटू v बाय 2l, उनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, v बाय 2l। तो यहां से हमने देखा कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज v बाय 2l, और v बाय 2l ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इन दोनों कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उनका जो डिफरेंस होगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा। तो यहां से f नॉट आ जाएगा fb माइनस fa विच इज इक्वल टू 105 हर्ट्ज। तो इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और भी डिस्कशंस हो सकते हैं। अगर स्ट्रिंग टाइड एट बोथ हैंड्स की जगह पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स दिया होता तो भी सेम रिजल्ट्स आते हैं, उसमें भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2l होती है और सभी हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। तो वहां पर भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आपका सॉल्यूशन सेम आएगा। अगर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड दे रखा हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर एक पाइप एक एंड पे क्लोज्ड है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v बाय 4l और उसमें ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। तो अगर एक हार्मोनिक है 1 इंटू वी बाय 4l जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी तो अगला हार्मोनिक होगा 3 इंटू वी बाय 4l। तो अगर उस केस में आप डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू वी बाय 4l आएगा विच इज अगेन इक्वल टू वी बाय 2l। तो तीनों केसेस में स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स और पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स का डिफरेंस आएगा v बाय 2l। हालांकि इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2l थी लेकिन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली उसके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा ऑप्शन ए जो था दैट वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। AIPMT 2015 के सेकेंड पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। A source of sound S emitting waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at some distance from each other. तो क्वेश्चन में हमें यहां पर एक सोर्स दी गई है जिससे साउंड वेव्स प्रोपगेट हो रही है, तो वो जो साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 100 Hz, सोर्स से कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर है। आगे देखेंगे। The source is moving with a speed 19.4 meters per second at an angle of 60 degree with the source observer line as shown in the figure. तो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करके हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और सोर्स की वेलोसिटी वेक्टर का उस लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है 60 degrees. The observer is at rest. ऑब्जर्वर यहां पर रेस्ट पे है। The apparent frequency observed by the observer is. तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो हमें बतानी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये डॉपलर इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो सोर्स से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करता है, जो उसको फील करता है, दैट इज डिफरेंट। और वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को हम डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स जो है उन्हें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुट करनी होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वेलोसिटीज हैं ये वेलोसिटी के वो कंपोनेंट हैं जो सोर्स ऑब्जर्वर लाइन के ऊपर पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोशन भी उसी लाइन के अलोंग होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सोर्स की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन सोर्स ऑब्जर्वर लाइन से अलग है। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे हम देखते हैं। साइन कन्वेंशन हमें क्या लेनी होती है इस फॉर्मूला में? O से S पॉजिटिव। यहां पे ऑब्जर्वर राइट में है, सोर्स लेफ्ट में है, तो O से S
यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है। तो यहां पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो जीरो दी हुई है, अदरवाइज उसको भी हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते। यहां पर सोर्स की वेलोसिटी के हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं, उसके हम दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक लाइन ज्वाइनिंग द टू के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर लाइन ज्वाइनिंग द टू जो सोर्स ऑब्जर्वर लाइन है, उस लाइन के अलोंग वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग द टू के अलोंग होता है, उसी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से उन दोनों के बीच का सेपरेशन कम या ज्यादा होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डॉपलर इफेक्ट में कोई असर नहीं आएगा। तो यहां पर वेलोसिटी थी 19.4 मीटर पर सेकेंड और उसका सोर्स ऑब्जर्वर लाइन के साथ एंगल था 60 डिग्री। तो यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये कंपोनेंट हो जाएगा Vs cos 60, यानी कि 9.7 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज, साइन कन्वेंशन है OCS पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट पॉजिटिव, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है राइट की तरफ। तो फॉर्मूला में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम -9.7 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमें जीरो दी हुई है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू इज -9.7। अब वैल्यूज पुट कर दी हैं, इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। योर आंसर विल कम आउट एज 103 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी जो था दैट वॉज द करेक्ट आंसर। Now let us move on to the next problem.